हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आशा राज गुप्ता। आप सबका स्वागत है मेरे कुकिंग में। तो आज मैं लेकर आई हूँ ढाबा स्टाइल चिकन करी रेसिपी। तो इसके लिए चलिए हम शुरू करते हैं। पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। इसमें मैं लूँगी 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/2 चम्मच हल्दी बहुत ज़रूरी है, और 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लेमन जूस। और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। ज़रूरी नहीं है कि मैरिनेट करने के बाद हमें इसे रखना है बहुत देर तक, बस हम ऐसे ही करके इसे छोड़ देंगे और जब तक हम आगे के प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, तो कढ़ाई तो मैंने गैस पे चढ़ा दिया है। इसमें हम ऑयल लेंगे 3 बड़ा चम्मच। आप चाहे तो कोई और ऑयल ले सकते हैं, हम मस्टर्ड ऑयल लिए हैं। इसमें हम कुछ ये साबुत मसाला डालेंगे, 2 मिर्च, 2 तेज़पत्ता, 1 इंच दालचीनी टुकड़ा, 4 से 5 गोल मिर्च, 2 से 3 लौंग, थोड़ा सा पचफोरन इसमें हम से डाल देंगे। इसको थोड़ा हम भून लेंगे। फिर इसमें हम बारीक कटा हुआ, मैंने इसे बारीक काटा है, 3 से 4 बड़ा प्याज इसमें हम डाल देंगे। और इसे हम गोल्डन कलर तक होने तक भून लेंगे। प्याज हमारा बिल्कुल गोल्डन हो गया है, तो इसमें हम 1 चम्मच डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसे कुछ सेकंड के लिए हम चलाएंगे। और साथ ही इसमें हम नमक भी ऐड कर देंगे। नमक आप अपने स्वाद अनुसार लेंगे। अब इसे हम 4 से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे ढक देंगे। 4 से 5 मिनट इसको मैंने लो फ्लेम पे ढक के पकाया। अब देख सकते हैं टमाटर हमारा अच्छे से पक गया है। अब इसमें हम सारा मसाला ऐड करेंगे, 1 बड़ा चम्मच रेड चिली पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट मसाला को भूनेंगे अच्छे से। फिर इसमें हम चिकन ऐड करेंगे। तो आप सब देख सकते हैं मसाला हमारा अच्छे से पक गया है, ऑयल छोड़ना स्टार्ट हो गया है। तो इसे हम इसमें अब 500 ग्राम मैरिनेट किए हुए चिकन डालेंगे। अब इसे हम अब कुछ नहीं करेंगे, इसी तरह 20 से 25 मिनट लगेंगे हमें अच्छे से चिकन को कुक करेंगे। इसमें हम 1/2 कप पानी ऐड कर रहे हैं अब, और इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल रहे हैं, और इसे 20 से 25 मिनट अच्छे से चलाते हुए बार बार बीच बीच में हम चलाएंगे और कुक करेंगे। फिर मिलते हैं 20 मिनट बाद। तो चिकन हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। इसे अब हम धनिया पत्ता से गार्निश करेंगे, और इसे हम 1 प्लेट या सर्विंग बाउल में सर्व करेंगे। ढाबा स्टाइल चिकन करी बिल्कुल रेडी है। आप सब इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। तो आप सब इस रेसिपी को ट्राई कीजिए
और हमारा रेसिपी पसंद आया तो हमारे रेसिपी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।